नमस्कार मेरे सभी प्यारे किसान साथियों को, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित और दोस्तों आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और जो वीडियो है ये किसान भाई की है जिसने पहले साल जो है इसमें पिछले साल इसमें जो है पॉपरल के पेड़ थे उनकी जो कटिंग करवा कर और इसमें दोबारा से किसान भाई ने पॉपरल के पेड़ इसमें लगाए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यदि आप अच्छी किस्म की यानी अच्छी जो वैरायटी है उनका चूज करते हो और अच्छे किसान से चूज करते हो तो आपका रिजल्ट है वो बेहतरीन रहेगा और कोई ज़्यादा एफर्ट है वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाई है जो पहले साल इसमें जो है इसमें ये जो लबेरा रखा है आप इसको देख कर हैरान हो जाओगे। लबेरे को आप ये कहोगे कि तो मुंडे से भी पर है, गन्ना जो है इसमें कोई ऐसा खास नहीं चल रहा है, लेकिन जो पपरल है उनकी जो ग्रोथ है वो बेहतरीन है, लाजवाब देखने लायक है। और इसमें जो किसान भाई है मुंडी भी रखेगा। और ये जो है इसकी लोकेशन है यमुनानगर का ही खेत है, ये यमुना नदी के आसपास के खेत हैं जहाँ पर जो है अच्छी पपरल जो है अच्छा चलता है यदि अच्छी वैरायटी लगाई जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पेड़, ये देखो किसान भाइयों, हमारे जो अभी बरसात कम होने की वजह से ग्रोथ कम हुई है पेड़ों की, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये पेड़ है ये लगभग 12 इंच की जो इसकी मोटाई नॉर्मल है। हाइट दिखाना इसकी अंकित नबंटी, आप इसकी पेड़ की हाइट देख सकते हो और जो नीचे से भी ये देखो लगभग 12-13 इंच का ये पेड़ आराम से है। देखो इतनी शानदार मोटाई इस किसान भाई की है। जो किसान भाई लगातार मेहनत करते रहते हैं उनकी भी इनका भी ऐसा रिजल्ट नहीं आता जो इस किसान भाई का है। और गन्ना दिखाना एक बार, ये आप ये गन्ना भी देख सकते हो, इतना कोई खास है ये गन्ना नहीं है और गन्ने में घास भी है वो भी ठीक ठाक खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो पपरल के पेड़ हैं वो किसान भाई के शानदार ग्रोथ कर रहे हैं। सभी एक पेड़ नहीं तो सभी पेड़ देखो, ये देखो आप ये भी पेड़ और ये भी, ये देख सकते हो आप, ये जो है किसान भाई हो सभी पेड़ हैं जो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इसका जो मेन रीज़न है अच्छी वैरायटी है, तो सभी को इसलिए कहा जाता है कि आप जो है अच्छी वैरायटी अच्छे किसान उसका चूज करें, यदि आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी तो जो है आपका पेड़ अच्छा ग्रोथ करेगा। आप ये भी देख सकते हो इस पर जो है नीचे एक भी टहनी नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो जो टहनी है इस पर लगभग 10 फुट है, 10 फुट से ऊपर ही जो टहनियाँ निकलनी वो शुरू ही हैं और जो 109 की ये वैरायटी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पेड़ है जो वो अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर जो है एक दो और किसान भाइयों के पेड़ है पड़ोस में जो 1.5 साल के हैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उन पेड़ों को देखकर जो है आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और प्रोग्रेसिव किसान है, बहुत मेहनती है हमें, उन्होंने जो है पिछले साल उस खेत में जो है सब्जी गन्ना वो इकट्ठा लगाया था, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर सिर्फ गन्ना लगाया और उसकी भी जो है एक दो निराई किया, लेकिन जो अच्छी वैरायटी और शुरू में जो है इन्होंने खाद पानी वो अच्छा डाला है जिसकी वजह से इस पेड़ ने जो है अच्छी ग्रोथ की है। और गन्ने में भी बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर पेड़ हमने देखा है कि वो अच्छी ग्रोथ करता है। तो चलते हैं 1.5 साल के प्लॉट में, यहाँ पर वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। चलो भाई, तो किसान भाइयों अभी हम जो है इसी जो वीडियो में आपको दिखाए थे पहले साल के पेड़ उसके साइड में जो है वो खेत लगा है उसमें आए हैं। इसमें किसान भाई ने जो है पहले साल सब्जी की गन्ना किया और अभी जो है इसमें मुंडी गन्ने की वो रखी गई थी और आप जो है बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं। ये 20 लगभग हर पेड़ की जो मोटाई है 20 इंच के या प्लस है या माइनस है, यानी अप्रोक्स है जो 20 इंच की मोटाई है। तो आप देख सकते हो यदि आप जो है शुरू में अच्छी वैरायटी चूज करते हो और अच्छा देख रेख करते हो, थोड़ी सी ध्यान दे लेते हो पेड़ पर, तो जो शुरू से है जो पेड़ अच्छी ग्रोथ करता है। मेरे चैनल पे पिछले साल भी इस खेत की जो है वीडियो पड़ी है तो आप वहाँ पर देख सकते हो, इसने जो है पहले साल लगभग 15 इंच की मोटाई ये ले चुका था और अभी दूसरे साल आप देख सकते हो 20 इंच की हो गई है, 21 इंच की जो मोटाई इसकी है, और जो तीसरे साल आप इसको कटवा सकते हो आराम से। देखो किसान भाइयों ये भी पेड़ देख सकते हो, आप पूरा प्लॉट देख सकते हो, जो पूरा प्लॉट है वो बिल्कुल शानदार खड़ा है। तो आपको इसलिए बोला जाता है कि आप जो है इसमें मुंडी जरूर रखें। अभी किसान भाई जो है इसमें से मुंडी काट कर गन्ने की इसकी जो टहनी आया इनकी कटिंग वो शुरू कर देगा, तो भी हम
वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताना, पहले साल के खेत में लगे पेड़ कैसे लगे वो भी आप बताना।